सारे कलरफुल से मिल रहे ऑप्शन में ये तीन है जो मुझे अच्छा लग रहा है। अभिषेक डोना को चॉपस्टिक से खाना सिखा रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ और ही लग रहा है। घर वाले नहीं सिखा रहे, मैंने लिए ये दो क्लच बैग और ये मुझे जो पड़ा ये पड़ा मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वेलकम हो रहा है वो हो रहा है दिल्ली से। तो अभी भी हम पहुंचे हैं, अभी हो रहा है टाइम सुबह के 5 बजे और अभी पहुंचे हैं। और हम जहां रुके हैं वो है एमटी में रुके आज। और ये रहा हमारा सामान, अभी थोड़ा रेस्ट करूंगी फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। एक दो घंटे रेस्ट करते फिर मिलती हूँ। हो गई हूँ रेडी यहाँ पे, अभी सुबह के 8 बजे और हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, यही पास में है आमा कैफे। वैसे मैं पहले गई थी वहाँ पे, आज से 5-6 साल पहले जब हम कॉलेज में थे तब गए थे। तब बहुत फेमस था यहाँ पे एमटी में आमा कैफे करके। अब पता नहीं कैसा होगा, पर मैंने सुना है कि वहाँ ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा होता है, तो देखते हैं कि कैसा मिलता है ब्रेकफास्ट। डोना भी यहाँ पे तैयार हो गई है, कहाँ जा रही डोना? तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है हिमालयन ब्रेकफास्ट, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। साथ में था नमकीन चाय। और यहाँ पे डोना ने ऑर्डर किया है, डोना के लिए ऑर्डर किया है पैनकेक और साथ में फ्रूट्स ऊपर से हनी लगा के, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और हेल्दी भी था। हम जा रहे हैं सब सीपी वही नहीं सा डोना अलग ही लेवल पे एक्साइटेड हो रही है। अभी हम आए हैं जनपद में शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी फेमस शॉप है ये चिकन करी वाली, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी चिकन करी के। और मुझे कुर्ता लेना था तब हम यहाँ पे आए थे। तो अभी हम लंच करने आए हैं थकाली में, तो काफ़ी रश है यहाँ पे, तो हम अभी वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। और यहाँ देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, अलग ही वाइब है। ये गोबर की लिपाई किया हुआ है ना, शायद काफ़ी गर्म है बाहर, तो ठंडी है यहाँ पे काफ़ी गर्म है। और बैठने के लिए भी देखने का सही है सिटिंग एरिया। क्या पीना रहे हो? पानी नहीं। और हमारा खाना आ चुका है, ये मेरा वेज थाली, ये मटन थाली, ये भी मटन खाने वाले, और मैं हूँ अकेली वेज खाने वाली, मैं और डोना। ये कितना सही सा लग रहा है ना। और कांसे का थाली, कांसे का सब कुछ, कांसे का अच्छे रंग से दिया इन्होंने ना। वाओ, ये वाली चटनी तो देखने में इतने बार देखा है ना। है ना, मैं तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। तो लंच के बाद हम दोबारा आ गए शॉपिंग के लिए। ये दिखाना है क्या? ये पर्स। हाँ, ये अच्छा लग रहा है ना। सारे कलरफुल से मिल रहे,
ऑप्शन में ये तीन है जो मुझे अच्छा लगा है। इसको उठने का मन नहीं कर रहा, जाग तो गई है। प्राइस क्या करेगा? 800 ईच मिल जाएंगे जितने भी दिखाए आपको। ये वाले हैं पर्ल वाला और ये वाला 1000 ईच। ये लाइट वेट है, टोटली मेटल का है। दिखाऊं ये तो सेम सेम तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो पक्का। उतना टेस्टी नहीं था ना, उतना उतना टेस्ट। ये वाला जो बैग है ना, जब फॉरेनर का नहीं लाए, कोई 650 का है। तो अभी हम आए हैं H&M के शोरूम में, और ये जो शोरूम था बहुत ही बड़ा शोरूम था, 3 मंजिल का शोरूम था, और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन थे गर्ल्स के हर चीज़ को लेके, और ख़ासकर यहाँ पे बैग जो थे सब इतने अच्छे अच्छे बैग थे और बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस था। तो यहाँ पे जूस पिया जा रहा है। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे डिनर करने के लिए। अभिषेक डोना को चॉपस्टिक से खाना सिखा रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ और ही लग रहा है। घर वाले तो नहीं सिखा रहे, लगता है चाचू डोना को गरबा सिखा रहे हैं ना डोना। ओ नहीं नहीं, अभी हमने मंगाए यहाँ पे डिनर में नमकीन चाय, कलर कलर से का सर है, अच्छा ऊपर सर है। और ये आगे हमारा डिनर, अभी टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं और हम डिनर डिनर सब कुछ करके आ गए। बाकी मैंने जो थोड़ा बहुत सामान लिया है वो आपको मैं ऐसे थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो मैंने जो सामान लिया है सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे ही दिखा देती हूँ। सबसे पहले लिया है ये बैग, मैंने लिया ये 2 क्लच बैग, और जिस ये मुझे जो पड़ा, ये पड़ा मुझे ऐसा है, और एक लिया ये वाला। ये दोनों मुझे पड़े 750 ईच। उसके बाद मैंने शॉपिंग की के लिए, एक ये कुर्ता लिया और एक ये, और मैं ये कल पहन के आपको दिखाऊंगी। बस इतना ही था आज का शॉपिंग जो था। तो इसी के साथ जो आज का ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।